हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विंग्स। तो कल 3rd of June थी, काफ़ी बड़ा दिन था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि कल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था 2018 का। तो फ्रेंड्स, कल का दिन तो चला गया और आज के दिन यूपीएससी ने एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे दी है। जो एस्पिरेंट्स जो है वो 2019 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको डेट मिल गई है फ्रेंड्स एग्जामिनेशन की। सो इससे क्या होता है, डेट मिलने से फ्रेंड्स फ़ायदा ये हो जाता है कि इंसान अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको एक अच्छी बना सकता है, उसको टाइम अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकता है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को। तो एक टाइम स्केड्यूल बना सकते हैं आप लोग। और फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद इसी चैनल में मैं एक आपको टाइम स्केड्यूल भी बना के दूंगा, किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है अपनी। तो पूरा एक स्केड्यूल मैं यहां पे बनाऊंगा, तो इस चैनल को प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ फ्रेंड्स। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा फ्रेंड्स वो होगा 2nd June 2019 को। तो ये काफी पूरा एक साल है, जो भी एस्पिरेंट जो है वो 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पूरा एक साल है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यूपीएससी ने काफी सारे एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराती है यूपीएससी, जैसे कि एनडीए एग्जाम, CDS एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह। तो काफी सारे जो एग्जामिनेशन उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है फ्रेंड्स। थोड़ी देर के बाद मैं आपको लिस्ट यहां पे डिस्प्ले करने वाला हूं, उनकी ऑफिशियल जो लिस्ट है। तो बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए बोलूँ मैं, तो 2019 के लिए, तो ये जो डेट्स है वो प्लीज़ आप अपने स्मार्टफोन में एक नोटिफिकेशन मतलब फीड कर लीजिए या फिर एक नोटिफिकेशन एड ऑन कर लीजिए, जो कि आपकी डेट्स जो रहेगी 19th of February 2019। तो अभी के अभी वीडियो पॉज कीजिए और 19th February 2019 का एक नोटिफिकेशन बना लीजिए कि इस दिन ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज करेगी यूपीएससी, राइट। तो और लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट का अगर आप इंतजार करते हैं, देखिए 19th February 2019 को ही आप एप्लीकेशन भर लीजिएगा, अपना फॉर्म फिलअप करके रख लीजिएगा, बिकॉज उससे अगर आप लेट करेंगे तो आपके सेंटर्स दूर मिलने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। कुछ लोग सोचते हैं कि यार अपन आखिरी में भर देंगे, क्यों मतलब फालतू रेस लेते। देखिए आखिरी में क्या होता है, कभी कभी सर्वर एरर्स भी आ सकते हैं लास्ट डेट, और काफ़ी सारे इशूज आ सकते हैं। जैसे कि मेन इशू क्या होता है कि देखिए आप जब भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप सोचते हैं कि आपके कंफर्ट जोन में ही आप एग्जाम दें, यानी कि आपके घर के आसपास, आपको सेंटर आपके घर के आसपास मिले। तो देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे कुछ परिचित हैं जिन लोग सोचते हैं कि यार लास्ट डे हम लोग भर देंगे, तो लास्ट ईयर भी ऐसा हो चुका है मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो उन लोगों ने लास्ट डेट पे अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और उनका जो सेंटर था वो दूसरी सिटी में मिला उनको। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका सेंटर अगर आपकी दूसरी सिटी में होगा तो आप अपने कंफर्ट लेवल से दूर आपको जाना पड़ेगा, तो उसमें आपको काफ़ी स्ट्रेस लेना पड़ेगा। वैसे ही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के समय आप पूरी रात बैठ के पढ़ते हैं, तो आपको एक माइंड में कामनेस भी चाहिए, तो ट्रैवलिंग में आपका समय बर्बाद होगा, काफ़ी सारी चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है, सेंटर कहाँ पर क्या नहीं है, नोन लोकेशन है कि नहीं है, आपके रिलेटिव आसपास रहेंगे आपको तो आपकी मदद कर सकते हैं सेंटर तक पहुँचने में। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको रस्ते में कुछ प्रॉब्लम्स पड़ जाती है और उस कारण उनका पेपर छूट जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फ्रेंड्स ये सब जो डेट्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको रिमेंबर करनी है। रिमेंबर इन द सेंस, आप एक यार स्मार्टफोन सभी के पास है, आप एक नोटिफिकेशन डाल लीजिए अपने स्मार्टफोन में 19th February 2019 का कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा और इस दिन मैं एप्लीकेशन भर लूंगा। तो लास्ट डेट का इंतजार करना ही नहीं है, तो इस डेट को हम लोग को देखना ही नहीं है। वैसे लास्ट डेट है 18th March 2019, राइट। और जो एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो 2nd June 2019 को, जैसे कल हुआ था एग्जामिनेशन 3rd June 2019 को, वैसे ही पूरा एक साल है अब अपने पास। तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए फ्रेंड्स और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि इसमें काफ़ी सारी आप लोग को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और डेली करंट अफेयर शुरू हो गया है फ्रेंड्स हमारे चैनल में एजुकेशन विंग्स में, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम लोग आपको 100% रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स से रिलेटेड देंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% रिलेवेंट है। 100% मतलब 100% बोलता हूँ मैं, राइट। तो आप एक बार देखिएगा वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा तो आप कंटिन्यू रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी आपको यूपीएससी से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स CDS के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं CDS एग्जामिनेशन 2019 के लिए, उन लोग के लिए भी मतलब पूरी एक ऑफिशियल लिस्ट आई हुई है। 2-3 एग्जामिनेशन मेन मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, सभी एस्पिरेंट्स काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, तो उन लोग के लिए तो है ही है। बाकी CDS एग्जामिनेशन के लिए जो लोग टारगेटेड अप्रोच रखते हैं CDS एग्जाम के लिए, तो उनके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो 31st October 2018 को आएगा, राइट। 31st October 2018, तो इसी साल नोटिफिकेशन आएगा। और उसका एग्जाम कब होगा फ्रेंड्स, इसका एग्जाम होगा 3rd February 2019, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यूपीएससी का जो वो है नोटिफिकेशन है 19th February 2019 को, और इनका है एग्जाम जो होगा इनका 3rd February 2019 को। तो जिन लोग जो लोग भी CDS की तैयारी कर रहे हैं, इस डेट को आप लोग को प्लीज़ मार्क डाउन करके रखिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन मत कीजिए फ्रेंड्स, स्मार्टफोन में आप अलर्ट लगा के रख लीजिए, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा, वो 24 आवर्स पहले आपको अलर्ट कर देगा कि हाँ इस दिन एग्जाम होने वाला है। तो मैं भी इस तरह से अपने स्मार्टफोन में कैलेंडर्स रखता हूँ, देखिए ये सब डेट्स जो होती हैं कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना बिजी रहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, ये सब डेट्स हम लोग को याद नहीं रहती। उसी प्रकार से फ्रेंड्स NDA एग्जामिनेशन 2019 की जो डेट है नोटिफिकेशन, इसका आएगा 9th January 2019 को, और 21st
अप्रैल 2019 को इसका एग्जाम होगा फ्रेंड्स, ठीक है, 21 अप्रैल 2019। तो ये सब चीजें आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं, एक बार मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ यूपीएससी का। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल कैलेंडर है यूपीएससी का, जो कि आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, उस पर। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे एग्जामिनेशन है, आप जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप एक बार ये वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, उसकी जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है जो भी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए CDS एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग बात करी थी, इसके अलावा CISF एग्जाम है फ्रेंड्स, उसके अलावा NDA एग्जामिनेशन जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुकी है, सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से काफ़ी सारे एग्जामिनेशन, जैसे IES एग्जामिनेशन और काफ़ी सारे एग्जामिनेशन जो UPSC कंडक्ट कराता है, तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारी लिस्ट दे रखी है फ्रेंड्स, इसमें करीब 24 एग्जामिनेशन की लिस्ट इन्होंने दे रखी है UPSC ने, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लिस्ट है फ्रेंड्स UPSC की। और फ्रेंड्स सेकंड चीज़, जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन है उसकी डेट है 28 सितंबर 2019, तो 5 दिन का एग्जामिनेशन होगा ये 28 सितंबर 2019, तो ये डेट भी हम लोग को याद रखनी है, गॉट इट। बिकॉज ये याद इन द सेंस, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाऊंगा अभी कुछ दिनों के बाद UPSC के लिए, कि आपको काफ़ी ईजी रहेगा, बिकॉज UPSC 2019 के लिए अगर आप नए एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए आप लोग क्या कीजिए कि पहले अभी जल्द से जल्द पहले मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, मतलब आने वाले 3-4 महीने में अपने मेंस का सिलेबस जो है, मैक्सिमम सिलेबस जितना भी हो सके 4-5 महीने के अंदर वो पूरा कवर अप कीजिएगा, राइट। उसके बाद फिर प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है UPSC का, और जिन्होंने काफ़ी सारी डेट्स वगैरह प्रोवाइड करा दी है, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि NDA एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इसके अलावा जो एग्जाम CDS एग्जाम है उसको भी हम लोगों ने एक बार देख लिया है। तो बाकी मैं आपसे बोलूँगा कि अलर्ट रख लीजिए अपने मोबाइल में, और तो यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑफिशियल UPSC की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी है। तो फ्रेंड्स चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ये वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक दे दीजिए, उससे काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी, और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आगे इस प्रकार से आपके लिए वीडियोज़ बनाने में। और हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स शुरू कर दिया है फ्रेंड्स, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको रोज़ सुबह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर इस चैनल में मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, और अच्छी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, और कुछ समय के बाद हम लोग इसी चैनल में एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।